हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो वीडियो पे डिस्कस करेंगे वो मेन जो पेट पेरेंट है उनके लिए है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें जानने के लिए। जैसे समर स्टार्ट है और अभी मई स्टार्ट है, आप देखोगे बॉम्बे जैसी जगह पे 43 तक टेम्परेचर जा रहा है, दिल्ली में आप देखोगे 50 तक जा रहा है, नॉर्मल कोई भी जैसे महाराष्ट्र में भी देखोगे तो 43-45 तक जा रहा है। तो वहाँ पे कैसे केयर करें, डॉग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है और क्या चीज़ें हैं आपने ये सब आप पे ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जहाँ पे आप देखोगे कि आपके डॉग को बार बार पानी पी रहा है, खाना कम खा रहा है, रीज़न है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप उसके लिए या फिर हम खुद भी देखिए हमें ज़रा बाहर चले जाते हैं तो हमारे क्या बॉडी की हालत हो जाती है। सेम डॉग में है, उनको ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये इशू आते हैं। तो पानी दिन में 2-3-4 बार दीजिए और नॉर्मल थोड़ा सा उसमें आइस क्यूब आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको अगर बाहर से डॉग आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हाँप रहा है तो आइस क्यूब दीजिए, डायरेक्ट कोई इशू नहीं आएगा। वाटरमेलन जैसा जूस आप उसको दे सकते हैं, डायरेक्ट फ्रूट खाने के लिए मत दीजिए, जूस मतलब पानी ही होता है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे डॉग को हो सके फैन में या एसी में आप रख सकते हो, कूलर में रख सकते हो आप रख दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं देख रही हूँ बहुत पेट पेरेंट बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हमें पता है, बट बाहर बांधने वालों के लिए भी है। आप उनको धूप जैसे जगह जहाँ पे आपके घर में है वहाँ पे बांध के रखिए, बहुत आपको फ़र्क दिखेगा। क्या होता है आज ही स्ट्रोक जैसा बहुत सारी चीज़ें हो रही, समझ में नहीं आ रहा हार्ट अटैक किस वजह से आ रहा है। अभी कुछ बहुत सारे लोग होते हैं अरे हमारे डॉग को हार्ट अटैक आ गया, किस वजह से, वो हार्ट अटैक नहीं है वो हेड स्ट्रोक है। ह्यूमन में भी जैसे केसेस आ रहे हैं, डॉग में भी वो केसेस हमारे पास आ रहे हैं। जैसे होम मेड फूड आप खाने में दे रहे हो डॉग को या फिर आप उसको पैक फूड या फिर डॉग फूड दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आप सुबह में उसमें कुछ डाल के दे रहे हो तो शाम तक मत रखिए, ये बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो खाना बना के मिक्स सुबह का शाम को, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। चिकन जैसी चीज़ें सुबह शाम तक रखने जैसी है नहीं, फ्रिज में बहुत सारे लोग रख के बना के छोड़ देते हैं। आप देखो बहुत सारे मैं देख चुकी हूँ 2-3 दिन रखा हुआ दूध ख़राब हो रहा है फ्रिज में। तो आप वही अगर फूड 2-3 दिन बना के रख रहे हो, 5-6 दिन, 8-8 दिन का, और वही दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, डॉग का हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो केयर कीजिए, मुझे क्या है मैं ये बोल सकती हूँ, हो सकता है कि किस वजह से क्या है हमें पता भी नहीं चलेगा। और डॉग को बाहर घुमाने का जो टाइमिंग है वो सुबह 8-8:30-9 बजे तक का ही है, उसके बाद मत लेके जाइए, बहुत ज़्यादा धूप है, प्रॉब्लम आ सकता है, उसके पैर नीचे साइड से जल भी सकते हैं, तो प्लीज़ केयर कीजिए। हमारा डॉग हमारा फैमिली जैसा है, तो अब मैं देख रही हूँ बहुत पेट पेरेंट बहुत अच्छे से केयर करते हैं। ये छोटा मोटा चीज़ें कुछ मिस ना हो जाए करके मैं आपको रिपीट करके बता ही भी रही हूँ। आज डॉग को मैं पहले जैसे नहीं है कि लोग बाहर बांध देते, बट कुछ जगह पे है तो वहाँ पे केयर कीजिए कि नॉर्मल उसको टेम्परेचर बहुत में जैसे थोड़ा सा फैन लगा दीजिए, कुछ हो गया या फिर वहाँ पे आपने कुछ ठंडी जगह, आज डॉग आप देखोगे कूलिंग मैट आती है, फ्रिज वाला रखने वाला मैट नहीं, हमारे पास ऐसा भी मैट है जो नॉर्मल आप रखोगे डॉग बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कूलिंग मैट आता है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हेयर फॉल है ह्यूमन प्रॉपर कीजिए, उसको दूध वगैरह जैसे इनडाइजेशन वाली चीज़ें उसमें क्या होगा वो प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वॉमिट कर रहा है। परसों एक क्लाइंट आया था, उनको बिल्ली थी, खाना खा रही थी, पिछले 3 साल से एक ही खाना करी, अभी खाना वोमिट करी। तो उन्होंने डॉक्टर उनकी खुद की बेटी है बेट है, बट उन्होंने वही बोला कि फूड चेंज कर दिया, अभी सब ओके है। तो जो खाना नहीं खा रहे वो रीज़न हो सकता है, मे बी वो देखो कभी हमें भी लगता है वोमिट जैसा सेंसेशन आता है, वैसे ही डॉग में कुछ या कैट में कुछ हुआ रहेगा। कोई टेंशन मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको हफ्ते में एक बार नहलाइए, रोज़ रोज़ मत नहलाइए, उससे भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब नहीं वो चीज़ों का। केयर कीजिए और आप आपके बच्चों को जैसे हम रख रहे हैं वैसा आप हम रख रहे हैं, मतलब आप सभी भी जिस तरीके से रखिए आपके डॉग का केयर कीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा और डॉग में कैट में गर्मी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट मंथ आने में और 15-20 दिन बाकी है, जिससे 1 महीना निकालना है। डॉग को टाइम टू टाइम पॉटी सुसु के लिए लेके जाइए, गर्मी में मत लेके जाइए, पानी अच्छे से उसको 3-4 बार 4-5 बार दीजिए, आइस क्यूब दीजिए, फूड फ्रेश फूड दीजिए, अगर घर पे भी बना रहे हो तो सुबह शाम का बना के फ्रिज वाला गर्म करके 4-5 मिनट, क्योंकि फ्रिज भी इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा, 45-50 तक टेम्परेचर जाता है इसके लिए। तो आप जो भी है केयर कीजिए, और आपके अगर आपको
प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।